फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर दबाइएगा तो ही यूट्यूब का ये फैसिलिटी घर बैठे इन्फॉर्मेशन पाने का आपको मिलेगा। एंड ये सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है तो आप आराम से कर सकते हैं। आज मैं आई हूँ एक वैकेंसीज का खबर लेके। डेफिनेटली एयर एशिया केबिन क्रू में बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था कि कब आएगा एयर एशिया केबिन क्रू का वैकेंसी, कब आएगा, तो अल्टीमेटली वो आ गया है। आज मैं आपको एयर एशिया केबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन इसको कर सकता है। देखिए, मेल एंड फीमेल बोथ आप कर सकते हो। अगर आपका एज 18 साल के ऊपर है, आप इंडियन सिटीजन है और आपने 12 मिनिमम पास करके रखा हुआ है, जैसे आप 12 पास भी कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, आप मास्टर भी कर सकते हो, कुछ भी, बट मिनिमम आपको 12 पास करना है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो, इस जो वैकेंसी है। उसके साथ साथ एक हाइट बार भी है। अगर आप लड़की हो, आपके लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट विदाउट शू होना चाहिए। अगर आप लड़का हो, आपके लिए 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपका BMI, जैसे आपको पता है कि हाइट एंड वेट जो प्रोपोर्शन है उसका जो चार्ट है उसी के हिसाब से आपका जो BMI ये होना चाहिए। ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कौन ये कर सकता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि कहाँ पे आप जाएंगे। अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं एयर एशिया में, आपको जाना पड़ेगा इस पर अहमदाबाद 9 तारीख को, 9 फरवरी अहमदाबाद में इंटरव्यू हो रहा है, सुबह 9 से 11 बजे तक। वेन्यू जो है वो है कॉर्टियट बाई मैरियट अहमदाबाद, रामदेव नगर क्रॉस रोड, सेटेलाइट रोड अहमदाबाद, पिन 380015। यहीं पे आप जाके अपना आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आप देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं कि क्या आपको लेके जाना पड़ेगा। डेफिनेटली जो जो चीज़ आप अपने CV में मेंशन करेंगे, एक प्रॉपर CV तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ कॉर्नर पे एक फ़ोटोग्राफ भी आपको चाहिए। एक फ़ोटो, बार बार क्वेश्चन आता है कि कैसे हम फ़ोटो खींचें। कई लोग गलती भी करते हैं कि किस टाइप का पासपोर्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। देखिए, एक्चुअल ये जो पासपोर्ट साइज़ का जो फोटोग्राफ मैं दिखा रही हूँ, इसका ऐसे ही होना चाहिए कि पीछे आपका जनरली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जनरली क्या, वाइट बैकग्राउंड ही रखिए। उसके साथ ऐसे फॉर्मल में इस टाइप का अगर आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, एकदम क्लियर सुंदर सा फोटोग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। प्रोफेशनल लुक है जिसमें। सेकेंड थिंग इज दैट कि एक जो केबिन क्रू का इंटरव्यू होता है उसका फुल साइज फोटोग्राफ भी मांगा जाता है, तो आप साथ में लेके जाइएगा। जैसे इस टाइप का, जैसे आपको जो जो बिजनेस अटायर बोला जाता है जिसको, लड़कियों का नी लेंथ स्कर्ट, वैसे पहन के प्रॉपर मेकअप के साथ ऐसे एक फोटोग्राफ आप लेके जाइएगा। एंड पासपोर्ट साइज भी फोटोग्राफ लेके जाइएगा। CV जो है वो आप अच्छे तरह से, कोई उसमें मार्कर से करेक्शन करना या फिर ये सब मत करिएगा। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड उसका जेरोक्स ले जाइएगा। आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इसका ओरिजिनल जेरोक्स लेके जाइएगा साथ में। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको जो चीज़ है, मैं एक बात बार बार बोलती हूँ कि केबिन क्रू कोई भी इंटरव्यू में इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इंग्लिश के अलावा भी आप कोई लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, या जर्मन हो, या स्पेनिश हो, या चाइनीज हो, या कुछ भी हो आप जानते हैं, फ्रेंच हो, तो आप उस CV में उसको मेंशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको स्विमिंग भी आता है ना, वो भी मेरी एक एडवाइस होगा, वो आप CV में मेंशन करिए। हालांकि स्विमिंग इज़ नॉट मस्ट नाउ इट इज़, बट पहले एक ज़माने में हुआ करता था कि एयर होस्टेस को स्विमिंग जानना ज़रूरी होता था, पर फिर भी अगर आप जानते हैं तो CV में वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ये चीज़ के साथ, ये सारे चीज़ के साथ आप इंटरव्यू में जाइएगा। बट हाँ, एक प्रोसेस एयर एशिया का हमेशा होता है, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एयर एशिया के वेबसाइट में जाइए, वहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आप एक बार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिएगा बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस। एंड इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी मैं दे दूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन। आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन रेडी करिएगा। उसके साथ दे कैन आस्क, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, दे कैन आस्क यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन, दे कैन आस्क यू कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, एंड वट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ केबिन क्रू, ये भी आपको पूछा जा सकता है। हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ये आपको पूछा जा सकता है। कोई भी करेंट अफेयर्स रिलेटेड जो बात बहुत ज़्यादा चल रहा है दुनिया में,
उसके विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस जो है वो भी आया हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेके जाइएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के अभी के टाइम में जो है। तो ये सारी चीज़ आप करके जाइएगा। हाँ, और एक चीज़ है कि जनरली ग्रुप डिस्कशंस भी होता है, एंड ग्रुप डिस्कशन में जो सब्जेक्ट है उसके विषय में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप पुराने वीडियो लिस्ट में जाइए, ग्रुप डिस्कशन का सब्जेक्ट देखिए, एंड जो जो क्वेश्चंस मैंने बोला है उसका भी सारा आंसर्स मैं दे चुकी हूँ पुराने वीडियो में, तो उसको देख के खुद को तैयारी कीजिए। एंड मेरा तो एडवाइस ये रहेगा कि जो भी केबिन क्रू में जाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको कोई भी आइटम छोड़ना नहीं चाहिए फॉरेन एयरलाइंस का खासतौर पर, क्योंकि आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। तो आप किसी भी शहर में हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप अहमदाबाद जाके इस इंटरव्यू को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आ रही हूँ एक और एक नया वैकेंसीज के खबर लेके बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट भी जरूर करिएगा कोई भी सवाल आपको जानना है इस विषय में। तो दिस इज द थिंग, एंड आपको जो भी मैंने बोला है कि प्रिपरेशन करके जाइए, बिकॉज प्रिपरेशन करके जाना ही सही रहेगा। अगर आपको फर्स्ट सेंस में ही आपको मिल जाए नौकरी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।